हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके सामने खड़ी है होंडा शाइन एसपी सीबीएस। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें हम तो 6,712 रुपये इसका प्राइस है ऑन रोड धार का। और इसमें ब्लैक, ग्रे, येलो, रेड और ब्लू कलर मिल जाएगा। ब्लू कलर जो आप देख ही रहे हैं। इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें हम तो 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और 10.5 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है। और चलिए चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप, तो काफ़ी स्टाइलिश फ्रंट है इसका, और नॉर्मल हेलोजन बल्ब इसमें आपको देखने को मिलेगा हेडलाइट में। और ये इसके टर्न इंडिकेटर। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा इसमें। और अभी चलते हैं, और ये इसका फ्रंट व्हील देख सकते हैं आप। यहाँ पर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है इसमें, और 8018 का फ्रंट टायर दिया गया है। MRF टायर मिल जाते हैं इसमें आपको, काफ़ी बढ़िया अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें। और इसे सब कॉम्बी ब्रेक दिया गया है इसमें, दोनों ब्रेक साथ लगते हैं। पीछे का ब्रेक लगाएंगे तो आगे का भी ब्रेक इसमें साथ में लगेगा, जिससे कि ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और ये फ्यूल टैंक पे होंडा का लोगो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे होंडा का लोगो लगा हुआ है क्रोम फिनिश के साथ में। और यहाँ पे SP की बेजिंग, और काफ़ी बढ़िया ग्राफिक दिए गए हैं। और ये सिंगल हॉर्न मिल जाता है इसमें आपको। और यहाँ पे देखिए आप, तो फ्यूल ऑन ऑफ के लिए दिया गया है, और यहाँ पे होंडा लिखा हुआ है रेड कलर में देख सकते हैं आप। यहाँ पे 5 स्टार का गेयर बॉक्स मिलेगा इसमें आपको, और यहाँ पे CB125 की बेजिंग मिल जाएगी, और रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलेंगे। और रियर में MRF का टायर दिया गया है, 8018 का टायर दिया गया है रियर में देख सकते हैं आप यहाँ पे। और साइड रिफ्लेक्टर, और यहाँ से आप जो है सीट ओपन कर सकते हैं। और ये इसका रियर लुक, नॉर्मल टेल लैम्प दिए गए इसमें आपको, रियर रिफ्लेक्टर दिया गया है, नंबर प्लेट के लिए भी लाइट दी गई यहाँ पे। रियर भी काफ़ी अच्छा है इसका देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए आप, एग्जॉस्ट इस पर स्टेनलेस स्टील की प्लेटिंग दी गई है देख सकते हैं आप यहाँ पे। और कॉम्बी बैक की बेजिंग, HETBS4 की बेजिंग, और CB125 की बेजिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको। सेल्फ और केक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको। और 125 cc का इंजन मिलता है आपको एयर कूल्ड, जो कि मैक्स पावर देगा आपको 10.6 BHP की 7,500 RPM पे, और 10.30 NM का टॉर्क देगा 5,500 RPM पे, जिससे कि आपको 69 का माइलेज देखने को मिलेगा इसमें। कॉम्बी पैक की बेजिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे इसमें, और यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये है इसकी चाबी, और 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें आपको। इसको खोल लेते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसमें। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं इसका, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल और एनालॉग का इसमें आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें बैटरी अटैच नहीं है, जिसके कारण इसको ऑन करके नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे चोक दिया गया है, और बाकी लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। दोस्तों, कैसी क्या लगी आपको होंडा शाइन SP CBS, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नाकोड़ा होंडा, इंदौर अहमदाबाद रोड, त्रिमूर्ति नगर धार, यहाँ पर आइए और यहाँ पर संपर्क कीजिए।